नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये इंडक्शन आया है जिसमें ऑन करने पर T8 का हीरा आ रहा है। चलिए देखते हैं T8 का हीरा क्यों आ रहा है। पहले हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों खुला हुआ है, हमने खोल लिए हैं इसको। बहुत गंदा था, साफ सफाई की है इसमें। फिर भी अभी गंदा ही है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये कैपेसिटर फटा हुआ दिख रहा है। मेन वाला कैपेसिटर है 4 MFD का। चलिए दोस्तों, हम पहले उसको चेंज करते हैं और हम इसमें 5 MFD का कैपेसिटर डालते हैं। सोल्डिंग आयरन हमारा कम गर्म था, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर हमारा फट चुका है। इसकी जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। इसको आप किसी भी तरह लगा सकते हैं, इसमें उल्टा सीधा का कुछ भी ऐसा नहीं है। यदि आपके पास 4 का नहीं है, 4 MFD तो आप 5 का भी लगा सकते हैं। फाइनली हम कैपेसिटर लगा चुके हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट
हल हुआ है या नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या फॉल्ट नजर आता है। अब इसमें कुछ नट हम अभी इसको टाइट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ चेक करने के बाद करेंगे। अभी हम अच्छे तरह से नहीं फिट करेंगे इसको, खाली चेक करने के हिसाब से ही करेंगे। अभी हमारा सीरीज में लगा हुआ है इसलिए इवन आ रहा है। अभी इसको हम मेन में चालू करके देखते हैं दोस्तों। फाइनली हमारा इंडक्शन ऑन हो गया, लेकिन हमारी ये जो माइनस वाली स्विच है वो काम नहीं कर रही है। चलिए देखते हैं माइनस वाली हमारी स्विच काम क्यों नहीं कर रही है। माइनस वाली स्विच का काम न करने का कारण है इसके नट बोल्ट जहाँ पे स्क्रू टाइट होते हैं उनका वो बेस टूट गया है दोस्तों। चलिए हम इसके लिए यहाँ से होल करके नट लगा देते हैं। यहाँ से हम पैनल को फंसा लेते हैं दोस्तों, उधर से दबाते हैं माइनस पे प्लेट हमारी खिंच आती है क्योंकि इसका भी बेस टूटा हुआ है, इसका भी नीचे का बेस टूटा हुआ है, इसलिए प्लेट खिंच जाती है नीचे। फाइनली हमारी स्विच वर्क करने लगी क्योंकि वो जो पैनल है नीचे दब जाता है, इसलिए हमारी माइनस स्विच बराबर काम नहीं करती है। देखिए
देखिए दोस्तों, हमारी माइनस स्विच काम करने लगी है। ख़राब नहीं है, स्विच नहीं ख़राब है, लेकिन इसका पैनल दबाने से नीचे हो जाता है। फाइनली हमारा इंडक्शन वर्क करने लगा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।